हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एबीवीपी के गुंडों को बचाने के लिए सीबीआई नजीब के केस को बंद कर रही है। ये सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की मां की याचिका आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। करीब 2 साल पहले जेएनयू से लापता हुए नजीब के मामले में अब सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी। छात्र की मां फातिमा नफीस ने कोर्ट से मांग की थी कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को हटाया जाए और जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला 4 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर देने के बाद नजीब की मां फातिमा ने कहा कि कोर्ट ने उनसे कहा वो अपनी बात निचली अदालत में रख सकती हैं और इतना कहकर पीठ ने याचिका का निपटारा ही कर दिया। नजीब की मां फातिमा ने कहा कि 2 साल हो गए, हमारी बहुत उम्मीद है कोर्ट से, इसलिए हम मिले हैं। सीबीआई ने कोर्ट को गुमराह किया, हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों ने इस मामले में दबाव बनाया है। इस पर कन्हैया ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये बेहद शर्मनाक है कि सीबीआई नजीब को ढूंढने की बजाय केस बंद करने की कोशिश कर रही है। नजीब के गायब होने के एक दिन पहले संघ भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी के लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, इसलिए ठीक तरह से जांच किए बिना ही सरकार के इशारे पर केस को बंद किया गया। बता दें कि 16 अक्टूबर 2016 को नजीब अहमद से आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर मारपीट की थी। इसके बाद से नजीब गायब है। जेएनयू के जिन 9 छात्रों पर नजीब पर हमला करने और उसके बाद अपहरण करने का आरोप लगा था, मगर पिछले 2 सालों से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद सीबीआई उनसे पूछताछ तक नहीं कर पाई। देश की सबसे उच्च कोटि की जांच एजेंसी होने का दावा करने वाली सीबीआई अब हाईकोर्ट क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।